आज हम विद्यालय में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की गई थी और महाराष्ट्र में ये त्यौहार सबसे पहले मनाया गया था, क्योंकि उस समय जिस समय इस त्यौहार के लिए आह्वान किया गया था उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। इस उत्सव के माध्यम से सभी लोगों को एकत्र किया गया और ये उम्मीद की गई कि देश में उत्सव के बहाने सभी लोग एकत्रित होंगे और देश की आज़ादी का आज़ादी के लिए क्रांति का अपना कदम उठा रहे हैं और तेजी से। वैसे भी कोई भी उत्सव जो है वो हमारे जीवन में हर्षोल्लास का संचार करते हैं, तो कुछ कुछ अंतराल के बाद देश में हमारे कोई ना कोई त्यौहार ऐसा मनाया जाता है जो हमारे जीवन में एक नयापन लाते हैं, क्योंकि हमारा अगर हम देखें तो जीवन में वो एक नीरस हो जाता है। अगर त्यौहार ना हो तो जीवन में नीरसता नहीं आती, उस नीरसता को दूर करने के लिए समय समय पर त्यौहारों का आह्वान होता है। और इसी अवसर पर आज हमने थोड़ा सा इस कार्यक्रम रखा है। पहले आज हम गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। यथा सामर्थ्य अनुसारेण नैवेद्यं विधीयामि।
Thank you.
हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वैसे इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र से,
जो शिवाजी महाराज थे उनकी माता जी जीजाबाई ने इसकी शुरुआत की थी। वैसे तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये शुरू से मनाया जा रहा है, लेकिन लार्ज स्केल पे इसको उसी टाइम मनाया गया था। फिर पेशवाओं ने इसको आगे बढ़ाया, पर अंग्रेज आ गए तो ये उत्सव में थोड़ी सी कमी आ गई। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने इसको सामूहिक रूप से मनाने का निर्णय लिया, जिससे कि हम अपने हिंदू लोगों को एकजुट कर सकें। तो ये इसकी शुरुआत थी। और वर्तमान में तो हर घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है, समूह में पंडाल में लगाए जाते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल 10 दिन तक रहता है। तो प्रथम पूज्य गणेश जी को हम सभी नमन करते हैं। आज का दिन जो है ये गणेश जी के प्राकट्य दिवस है, मतलब उनका जन्मदिन है। इसके पीछे कथा है कि पार्वती जी जब शंकर भगवान तपस्या के लिए गए तो पार्वती जी ने सोचा कि बाहर कोई रक्षा के लिए चाहिए, तो उन्होंने एक गण की स्थापना की अपने मेल से, जिसका नाम रखा गया गणपति। उनको कहा गया कि आदेश दिया कि कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, तो गणेश जी ने उनका आदेश माना और शंकर भगवान आ गए इतनी देर में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो शंकर भगवान ने बोला कि नहीं, ये तो मेरा घर है, मैं तो जा सकता हूँ। तो उन्होंने शंकर भगवान से युद्ध किया। इसमें क्या हुआ, गणेश जी का जो सिर है वो कट गया। अब पार्वती जी को ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत विलाप किया। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा पुत्र था, आपने इसका सिर काट दिया। फिर शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, तो हम दूसरा सिर लगा देते हैं। तो वो ढूंढने गए सब दूर, तो वहाँ पे हथनी का सिर, एक हाथी का बच्चा था उसका सिर लगाया। सब लोग उपहास करने लगे कि अरे ये कैसा है, घर तो इंसान का और मुख हाथी का। पार्वती जी बोला मेरे पुत्र का तो सब उपहास करेंगे। तो फिर शंकर भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जितने भी देवता हैं सब वहाँ पे विराजमान थे और वहाँ पे उपस्थित थे। तो शंकर भगवान ने कहा कि सबसे पहले कोई भी कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, किसी की पूजन होगी, सबसे पहले तुम्हारे पुत्र गणपति की पूजन की जाए, इसलिए हम गणेश जी को प्रथम पूज्य कहते हैं। सबसे पहले गणेश जी का ही आह्वान किया जाता है, चाहे आपके घर में कुछ भी प्रोग्राम हो, शादी हो, विवाह हो, शुभ कार्य हो, सबसे पहले हम प्रथम पूज्य गणेश जी की ही पूजन करते हैं। तो ये उनका बहुत ही, इसलिए हमको प्रथम पूज्य कहते हैं। ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएँ हैं और गणेश जी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि एक दंतुर को क्यों कहा जाता है। अब महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ था, तो वेद व्यास जी ने बोला कि भाई इसको लिखना है। तो सारे भगवान जी से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि गणेश जी बहुत बुद्धिमान है, आप उनके पास जाओ और उनसे अनुरोध करो कि वो आपका लिख दें। अब वो गए वहाँ पे, तो गणेश जी ने बोला कि मेरी एक शर्त है कि मैं कंटिन्यू लिखूँगा, बीच में नहीं रुकूँगा। वेद व्यास जी ने बोला ठीक है, मैं भी आपको कंटिन्यू श्लोक बोलता रहूँगा और आप लिखते रहिएगा। शुरू किया लिखना। अब बीच में क्या हुआ कि गणेश जी की कलम टूट गई। अब तो गणेश जी को तो लिखना था, तो उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ा और उसी को लेखनी बना दिया और लिखने लगे और पूरा कार्य पूर्ण किया। तो इससे हमें शिक्षा भी मिलती है कि भाई जो आपने काम आपको दिया जाता है उसको पूरा करना चाहिए। बीच में रुकावटें तो आती है, लेकिन गणेश जी की तरह हमें उसको तुरंत ही सॉल्व कर लेना चाहिए। ऐसे उनके कान है, कान बड़े कान है सूप की तरह। अब सूप की तरह कान हमें बताते हैं कि हमें सभी की बातें सुननी चाहिए और उसको अच्छे से आत्मसात करना चाहिए, जो अच्छी बातें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे उनका बड़ा मस्तक है, मस्तक बताता है कि विशालता को बताता है मस्तक, और ये हमें ये शिक्षा देता है कि जो भी चीज़ें हैं पूरा ब्रह्मांड एक विशाल काय है, तो उसको समझो, ये हमें बताता है। अब उनकी जो सुंड है वो हिलती रहती है, क्यों हिलती रहती है, इसका यह मतलब होता है कि हमेशा पूरे जीवन भर आपको कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए, जिससे कि आपका विकास होता है। तो ये शिक्षा हमें उनके सुंड से मिलती है। इसके बाद उनका लंबा उदर, जो बड़ा उदर होता है जिसका सब उपास करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई जो लंबा बड़ा जो उदर होता है वो ये शिक्षा देता है कि भाई जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन कार्य उसको आप बचाओ, डाइजेस्ट करो अच्छे से, जैसे गणपति जी अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं और उसको समस्या का समाधान करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गणेश जी की जो हमें शिक्षा देती है। उनके चार हाथ हैं, एक में कुल्हाड़ी है, एक में रस्सी है, एक वर मुद्रा में और एक में मोदक। अब ये सारे इनका ही महत्व है। मोदक जो है वो मिठास पैदा करता है जीवन में, तो जीवन में मिठास पैदा करने के लिए मोदक खाना चाहिए।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें गणेश जी से सीखने को मिलती है। अब जो भी हमारे त्यौहार है इसका साइंटिफिक रीज़न कैसे है, जैसे वर्षा का ऋतु समाप्त होती है तो उसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ जाते हैं, जब हम भोजन वगैरह खाते तो उसमें पौष्टिक चीज़ें होती हैं जो हमें एनर्जी देती है। ऐसे ही जब वैसे अभी भी हमारे स्कूल में हमने जो मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो पहले मिट्टी की मूर्ति उसमें गोबर भी मिलाया जाता है और जो कलर किए जाते थे वो प्राकृतिक कलर जैसे हल्दी जो घरों में चीज़ें उनसे किए जाते थे। अब जब उनको विसर्जित हम करते थे तो विसर्जित करते समय जो नदियों में इतनी बाढ़ वाढ़ आती थी और जो पोखर होते थे वो बारिश के पानी से खराब हो जाते थे, अब उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको थोड़ा शुद्ध पानी चाहिए तो ये जो हल्दी है एंटीसेप्टिक है, ये पानी को शुद्ध करती है और उसमें हम चावल वगैरह भी डालते हैं, चीज़ें डालते हैं भोग की, तो वो मछलियाँ वगैरह हैं वो प्राणी वो भी उसको ग्रहण करके ग्रहण कर लेते हैं। तो इस टाइप से हर चीज़ का जो भी गणेश जी की सारी बातें हैं ये सब कुछ ना कुछ हमें सीख देती है। और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि पूरा हर्षोल्लास माहौल में छाया रहता है और आज स्कूल में बहुत ही अच्छा माहौल है, तो सभी लोग अगले साल से, इस साल तो हमने बिठाया ही है लेकिन अगले वर्ष से अपने घर में भी गणपति मतलब स्थापित करेंगे, चाहे वो एक दिन के लिए हो या दो दिन के लिए, अच्छा रहता है। और हमारे स्कूल में हम सभी लोग अपने हाथ से ही मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो सभी को एक बार पुनः गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसे उन्होंने बताया लंबा पेट, तो लंबा पेट का मतलब है बहुत सारी बातें आती हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो उससे बचे और बड़ा मस्तिष्क बताया, तो बड़ा मस्तिष्क जो है इनका एक दूरदृष्टि और एक नेतृत्व करने की बात को बताता है। I'm gonna keep on running.